हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्यूचर 50 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड शेयर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स का जो चार्ट है उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे। देन आफ्टर दैट यहाँ पे हम मारुति सुजुकी के लिए यहाँ पे चार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो निफ्टी ऑटो के इंडेक्स है डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिसेंट टाइम में आप देखोगे जैसे यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने मिला, उसके बाद काफी अच्छी सी रिकवरी देखने मिली। आफ्टर रिकवरी देखने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस हाई लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश करी और यहाँ पे सक्सेसफुल देखने को मिला। जैसे यहाँ पे कन्फर्मेशन हो गया और यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्विंग का हाई को क्रॉस किया, काफी अच्छी अगेन अपसाइड मोमेंटम देने यहाँ पे वापस आप देख सकते हो। अपसाइड मोमेंटम देने यहाँ पे रिट्रेसमेंट वापस हम यहाँ पे अपसाइड के लिए यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हम सस्टेन कर जाते हैं तो वापस हमें यहाँ पे कंटिन्यू फ्लो में यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो काफी अच्छे से यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे आपको निफ्टी ऑटो इंडेक्स के जो स्टॉक्स है उनमें आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल जाता है तो काफी अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट रहेगी, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्लान करके चलना है। अभी जो निफ्टी ऑटो में जो मेजर जो वेटेज स्टॉक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर यहाँ पे पर्टिकुलर इस लेवल को आपको वॉच करके चलना है। काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। रिसेंट टाइम में आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसी लेवल को यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को फेस किया है और इसी लेवल से यहाँ पे हमें रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल हमारे लिए जो कि 7800 लेवल है। यहाँ पर हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर जैसे हमने निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखा, जैसे यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली आफ्टर फॉल, काफी अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी इसका जो पैटर्न फॉर्मेशन इसे यहाँ पे हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम देख क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पोल का फॉर्मेशन देखने को मिला है और यहाँ पे कंसोलिडेशन जो कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है और जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अभी जैसे यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस लेवल का जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन देखने मिल रही है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हमें हायर साइड का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल जाता है और जैसे यहाँ पे हम ब्रेकआउट हो जाने के बाद यहाँ पे हम कैंडल क्लोज आते हैं। अभी यहाँ पे हम जो एनालिसिस कर रहे हैं डेली टाइम पे बेसिस के ऊपर हम कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रेकआउट सीनरी यहाँ पे हमें जो पकड़ना है 50 मिनट की टाइम फ्रेम हो या 30 मिनट जो आपको सुटेबल लगे। जैसे यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर यहाँ पे हम कैंडल क्लोज कर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, हायर हाइज हायर लोज। तो यहाँ पे हम कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हम हायर साइड मोमेंटम करने के लिए यहाँ पे तैयार है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे हम बाइंग साइड के ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट करना पसंद करेंगे। साथ ही साथ आपको वॉल्यूम एक्टिविटी को यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे ध्यान देना है। वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ यहाँ पे हायर हाइज का यहाँ पे फॉर्मेशन है तो काफी अच्छी यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट रहेगी। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे हम अग्रेसिव बाइंग साइड के ट्रेड को यहाँ पे हम इनिशिएट करेंगे और जो भी यहाँ पे फॉर्मेशन बनेगा उसका लो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप इंटरडे करते हो तो 1:1, 1:2 के लिए आप हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो 50-20 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 यहाँ पे हम मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे आफ्टर दिस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट। काफ़ी अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट रहेगी आफ्टर दिस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट जो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है रिसेंट टाइम में, इसलिए यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 7800 की लेवल। इसके ऊपर हमारा व्यू बाइंग साइड के रहेगा और अगर इसके नियर बाय यहाँ पर हमें रिजेक्शन कैंडल फॉर्मेशन देखने मिल जाती है और यहाँ पर हाई लेवल्स पे सेलिंग देखने मिल जाती है तो यहाँ पर हम बाइंग साइड के ट्रेड को यहाँ पे अवॉइड करना पसंद करेंगे। तो सिंपल सेटअप है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बाइंग साइड के लिए वेट करना है, अगर यहाँ पे हम गैप ओपनिंग या बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने मिल जाता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो प्राइस एक्शन है अगर इसका लोअर हाइज लोअर लोअर्स का फॉर्मेशन कन्फर्म हो जाता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे एनी हाउ कंडीशन बाइंग साइड के लिए हम यहाँ पे अवॉइड करना पसंद करेंगे। और चाहे तो जो लोग यहाँ पे सेल साइड की पोजिशन बनना चाहते हैं वो जैसे लो का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे आप सेल साइड के भी यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहेगा। लेकिन हायर साइड के लिए आप हम काफ़ी अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट। तो इसके ऊपर हमारा व्यू बुलिश साइड का है, टिल देन यहाँ पे हम वेट करना पसंद करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।